लुधियाना के फिरोजपुर रोड पर बने एक रेस्टोरेंट में उस समय विवाद पैदा हुआ जब एक ही समय पर चार बर्थडे पार्टी का आयोजन करने को लेकर बर्थडे पार्टी कर रहे परिवार एवं होटल स्टाफ में कहा सुनी हुई। इस दौरान अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी कर रहे गौतम सरीन ने बताया कि उन्होंने कई दिन पहले रेस्टोरेंट में लगभग 70 मेंबरों के लिए हॉल की बुकिंग करवाई थी, लेकिन जब वे अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी करने पहुंचे, तो वे देखकर हैरान रह गए कि एक ही समय पर हॉल के अलग अलग हिस्सों में तीन अन्य बर्थडे पार्टियां चल रही थी। जिसे देखते हुए उन्होंने रेस्टोरेंट के मैनेजर से बात की तो वे इस मामले को लेकर उनसे माफी मांगने लगा, लेकिन गौतम सरीन का कहना है कि रेस्टोरेंट के आयोजक उन्हें 40 मेंबरों की बुकिंग का बताकर धक्केशाही कर रहे हैं। इस दौरान उनके पारिवारिक मेंबर मुकेश गुलाटी ने बताया कि रेस्टोरेंट ने उन्हें धोखे में रखा है, जिससे उन्हें बर्थडे पार्टी का आयोजन करने में दिक्कत आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बर्थडे पार्टी में आए उनके रिश्तेदारों को बैठने के लिए भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंधी जानकारी देते हुए रेस्टोरेंट कर्मी का मानना है कि एक ही समय पर रेस्टोरेंट में अलग अलग चार बर्थडे पार्टियां चल रही हैं। रेस्टोरेंट कर्मी ने बताया कि गौतम सरीन द्वारा 40 व्यक्तियों के लिए बुकिंग करवाई गई थी, लेकिन इनके मेंबरों की संख्या बढ़ने के बावजूद इनको पार्टी के लिए जगह दे दी गई। वहीं दूसरी पार्टी कर रहे करण अरोड़ा ने बताया कि जब उन्होंने पार्टी के लिए बुकिंग करवाई थी, तब उन्हें बता दिया गया था कि एक ही समय पर मेंबरों की संख्या के हिसाब से पार्टी का आयोजन कर दिया जाएगा। क्या नाम है? गौतम सरीन। सर क्या हुआ आपको? यहाँ पे हमने, ये मंचकिन जगह है फिरोजपुर रोड पे, और यहाँ पे हमने बर्थडे पार्टी अपनी डॉटर की कराई है। थर्ड बर्थडे उसका 27th टुडे, दैट इज़ अ 27th। हमने बुकिंग कराई थी कि हमारी ये पूरी जगह होगी, और आज जब हम आ रहे हैं ऑन हर बर्थडे, तो इन्होंने इनकी यहाँ पे थ्री मोर बर्थडे पार्टीज चल रही हैं, जिसका हमारे को कोई अता पता नहीं था। एंड नाउ द मैनेजर जो यहाँ का है अजय, वो दिख नहीं रहा है पिछले आधे घंटे से, जब से मैंने दैनिक सवेरा वालों को बोला आने के लिए, और तब से वो दिख नहीं रहा है हमारे को। और ऊपर से हमारे को इससे पहले बोलते हैं कि जी मैं आपकी पार्टी फ्री कर दूंगा, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, जी आई एम वेरी वेरी सॉरी, हाथ जोड़ रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, और ये कोई तरीका नहीं है। आपसे जो चार्ज लिए गए पूरे हॉल के लिए? हाँ जी, पूरे हॉल के चार्जेस हमसे पूरी बात हुई कि पूरा हॉल हमारा है। ये जो आप राइट साइड पे देख सकते हैं, ये भी राइट वाली जगह को इन्होंने बताया, यहाँ पे हम पूरा म्यूजिकल कोई गेम खेल लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, ताकि पूरी जगह खाली रहेगी। और पीछे वाली पूरी जगह बोला था पूरी की पूरी, हमारे जिस हिसाब से बच्चे थे, हमें बोला गया कि बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक है, इतनी ही जगह चाहिए 40 से 50 बच्चों के लिए। और उसके बाद ये प्ले एरिया भी सारा का सारा बोला गया कि इतने ही बच्चों को एकोमोडेट करता है। और एक और इसके पीछे भी जगह है, वहाँ पर भी बोला गया वो भी हमारे लिए ही होगी, वो पूरी की पूरी हमारे लिए पूरा एरिया उन्होंने बुक किया। बट आज जो हुआ है और जो कर रहे हैं, आई वॉन्ट द मैनेजमेंट टू आंसर टू दिस। इफ दे कैन डू इट टूडे आई विल बी वेरी हैप्पी, इफ दे कैन नॉट देन वी आर हेयर टिल द टाइम द एमडी ऑफ दिस कंपनी इज नॉट कमिंग हेयर। मुकेश गुलाटी, यहाँ पे इन्होंने एक पार्टी की जगह चार पार्टी कर दी है, जब जो कि हम लोगों को किसी को पता ही नहीं था। हम जैसे आए हमको बैठने की जगह नहीं मिल रही, ये नहीं पता चल रहा कौन से बच्चे हमारे तरफ से आए हुए हैं या उनकी तरफ से आ रहे हुए हैं। इतना बड़ा रिस्की हो गया यहाँ पे काम, अगर बच्चे को कल को कुछ हो जाए, यहाँ बाहर जाकर सीढ़ी से गिर जाए तो क्या होगा। इसलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये लोग दुकान ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए इन्होंने काम किया और कुछ नहीं है। चारों को बेवकूफ़ बनाया गया है, और सेम मेन्यू रखा हुआ है सब कुछ, भाई इनको सब सर्व हो जाए, और किसी को भी सर्व प्रॉपर वे में, चारों को प्रॉपर वे में सर्व नहीं हो रहा। हमने की है, वो कहता जी हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो, किसी को बुलाओ मत। व्हाट इज़ दिस, बुलाओ मत के ये मतलब क्या हुआ? हम तो इसको पूरा हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि आगे से कम कोई इसमें बुकिंग ना करे। मेरे हिसाब से तो ये कल बंद होना चाहिए। मेरा नाम करण अरोड़ा है। यहाँ पर इतनी पार्टियाँ हो रही है, उसके बारे में हमारे को पहले ही बता दिया था गया इन्होंने भी कि जब भी आपकी पार्टी होगी तो उसके साथ दो या तीन पार्टीज और साथ में होगी, आपकी गैदरिंग कम है इसलिए हम आपको ये पोर्शन दे देंगे, अगर जिनकी ज़्यादा होगी तो हम उनको अकोमोडेट करेंगे। तो इन्होंने पहले हमसे पूछा था भी आपके कितने मेंबर्स हैं, तो हमने उनको पहले ही बता दिया था भी हमारे इतने मेंबर्स हैं। तो बोलते थे जो वो सेगमेंट है, वो सेक्शन है, वो ज़्यादा मेंबर्स के लिए हम ऑक्यूपाइड रखते हैं, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, आपको ये मिल पाएगा। तो हमने कहा हमें कोई इशू नहीं है, हम उधर एडजस्ट कर लेंगे अपने आप से। तो बट इन्होंने हमें पहले ही बता दिया था भी तीन चार पार्टीज यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बुकड है। अजय
कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं क्या सर? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि लोगों ने हमें गलती इन्फॉर्मेशन दे दी है कि 15 मेंबर हैं, जिससे 15 मेंबर हैं, 20 गेट्स हैं और 5 बजे तक की बुकिंग थी। अब सर हम गेस्ट को भगा तो नहीं सकते ना, गेस्ट को उठा तो नहीं सकते हैं। हाँ सर के फंक्शन था, हमारे पास बुकिंग था, मिस्टर माइस मिस्टर अजय भी उनसे सर की रिजर्वेशन थी जो 4 टिकट से लिखाए थे। अब सर बाद में आपको कॉल आया था, सर को बोला था ना कि ये पूरी की पूरी जगह हमारे लिए है। सर मेरे से बात नहीं हुई थी, अभी 3 पार्टी चल रही है सर, 1 पार्टी सर की है और 10 मेंबर की अदर पार्टियाँ चल रही है, 10 के 22 किट्स अदर और पीछे भी एक पार्टी नहीं सर।